राधे वाला जो पोस्टर आया ना, वो बहुत एक्साइटेड लगा है. वॉन्टेड का जो लुक आया है, और जैसे दबंग 3 में है मूछों के साथ, वो लुक एक मतलब दबंग 3 का जो बना हुआ है इमेज वैसा ही है. चुलबुल और जो हमारा राधे का है भाई, राधे की तो मतलब बॉडी और पूरा वो विदाउट मूछों के जो लुक है वो डिफरेंट है, अलग ही है. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से. मेरा नाम है मुनीश. मेरा नाम विजेंद्र. और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है दबंग 3 का मोशन पोस्टर और ईद राधे की इसमें लिखा हुआ है. तो सलमान खान की दो फिल्में आ रही हैं, सभी को पता है. एक क्रिसमस पे आ रही है दबंग 3 और ईद पे आएगी राधे. इसकी अनाउंसमेंट भी है और इसमें उसका मोशन पोस्टर भी है. तो देखते हैं इस मोशन पोस्टर कोलैब करके कुछ बनाया इन्होंने वीडियो. तो देखते हैं एक बार इस वीडियो को. एक मिनट का वीडियो है, मोशन पोस्टर है शायद दोनों फिल्मों के. तो एक बार चेक करते हैं इसको. जय दिल दे दिया करेंगे ना, आइए तो सही. ये लुक ही खतरनाक. क्रिसमस भी बनाएंगे और ईद भी. और ईद भी आ गया भाई. वांटेड राधे 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 राधे. वांटेड your most wanted by Prabhudeva dono bhai. तो दोस्तों ये थे दोनों के मोशन पोस्टर. दबंग 3 का मोशन पोस्टर तो हम पहले भी देख चुके हैं. दबंग 3 का मोशन पोस्टर पहले वाला जो मोशन पोस्टर आया था वो भी बहुत अच्छा था, जिसके ऊपर वो किक मार के वो कुछ हटाते हैं. और चुलबुल पांडे की एंट्री का भी एक वीडियो है, वो भी हमने देखा था, वो भी बहुत बढ़िया था. बढ़िया था. तो स्वागत तो करो हमारा. राधे वाला जो पोस्टर आया ना, वो बहुत एक्साइटेड लगा है. वांटेड का जो लुक आया है, और जैसे दबंग 3 में है मूछों के साथ, वो लुक एक मतलब दबंग 3 का जो बना हुआ है इमेज वैसा ही है. चुलबुल और जो हमारा राधे का है भाई, राधे की तो मतलब बॉडी और पूरा वो विदाउट मूछों के जो लुक है वो डिफरेंट है, अलग ही है. वो वांटेड का जो जो पहला जब पोस्टर शुरू ही हुआ, वो मोशन पोस्टर शुरू हुए तभी वो वांटेड वाला फील आना शुरू हो गया था. और वांटेड तो आपको पता ही है कैसी चलती है, मतलब उसमें कहीं भी एक सिर्फ एक जगह पे लो पॉइंट था हीरो का, मतलब एक्टर का, नहीं तो बाकी पूरी मूवी के अंदर वो हाई पॉइंट और एक इम्प्रेशन जो बना रहता है, मतलब दबंग वाला, वो बढ़िया लगा था उस वांटेड मूवी में. और वांटेड मूवी में जैसे एक गैंग्स वाला वो था और पूरा मतलब उसमें मार धाड़ और एक्शन मूवी थी फुल. और वैसे ही दबंग में भी था, पर दबंग में एक स्टोरी जो चलती है वो अलग सी है. दबंग की स्टोरी थोड़ी यूपी वाले उसमें चली जाती है, विलेज वाले सेटअप में चली जाती है वैसा है. और ये जो वांटेड वाली है ये मुंबई के सेटअप में, सिटी वाला सेटअप जो है वो उस सेटअप में है. तो उससे सिटी वाले सेटअप का कुछ अपना मजा है, गांव वाले सेटअप का अपना मजा है. तो वो दोनों एक अलग अलग सेटअप वाली मूवीज हैं. तो अभी देखते हैं, इसका ट्रेलर तो कुछ आया नहीं है अभी कुछ अलग. ट्रेलर तो अभी दबंग 3 का भी ट्रेलर नहीं आया है. दोनों की ट्रेलर अवेटेड है. दबंग 3 का तो जल्दी आना चाहिए क्योंकि मूवी क्रिसमस पे रिलीज होगी. और राधे है उसका ट्रेलर हो सकता है अप्रैल के आसपास या मई के आसपास निकले. लेकिन दबंग 3 का तो हम बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं. और आप सभी को पता होगा कि वांटेड वो पहली मूवी थी जिसने एक सेटअप किया था सलमान खान के सुपर स्टारडम जो अब क्रिएट हो चुका है उसका. और वांटेड के बाद फिर दबंग आई थी, उसने उन्हें उनकी नींव पक्की कर दी और उसके बाद उनको वहां से हिला नहीं पाया. तब से वो 300 करोड़ के बादशाह बने हुए हैं बिल्कुल.
और एक अलग सी इमेज है, मतलब वो सलमान भाई अलग फैन से, इतने उनके इतनी फैन फॉलोइंग हो चुकी है, अलग तरह की फैन फॉलोइंग है उनकी, मतलब तो, जिसमें हम जैसे लोग सब सभी मतलब उनके फैन फैंस ऐसे हो चुके हैं, उनकी मूवी देखने जाना ही जाना है रिएक्शन के लिए, मतलब एक्साइटेड बहुत, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है दोनों के, टीजर ये मोशन पोस्टर्स देख के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है। तो ट्रेलर देखते हैं कब आता है इसका, इसका इंतजार रहेगा हमें भी और आपको भी होगा इंतजार। और आपको कैसा लगा ये मोशन पोस्टर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और राधे भाई की एंट्री कैसे है वो भी जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। साथ ही लाइक करें इस वीडियो को, नीचे लाइक बटन दबा के शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ देखें इस वीडियो को। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।